नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें संविदा सहायक अध्यापक जो भर्ती है उसमें संविदा पे जो लगने वाले जो अध्यापक है सहायक अध्यापक उनको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेगी और कौन कौन सी उनकी जो सेवाएँ रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है मेडिकल अवकाश। तो दोस्तों, अति आवश्यक कंडीशन पर ही मेडिकल अवकाश स्वीकृत होगा जैसा कि इसमें विज्ञप्ति में दिया है। अगला है पदनाम। दोस्तों, 9 वर्ष की सेवा के उपरांत आपका जो प्रमोशन है वो पदनाम जो है वो सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि पदनाम जो है वो 9 वर्ष के पश्चात चेंज हो जाएगा। अभी जो पदनाम होगा वो दोस्तों वो होगा आपका सहायक अध्यापक। क्या होगा? सहायक अध्यापक। अब दोस्तों, आगे क्या है? आगे जो है सेवा शर्तें। तो दोस्तों, सेवा की जो शर्तें हैं, एक वर्ष का जो आपका सेवा के दौरान आपकी जो सेवा पुस्तिका है या जो आपका जो सेवा मूल्यांकन है वो दोस्तों वहाँ से जो आप जिस विद्यालय में कार्य करोगे वहाँ से आपकी जो सेवा का जो मूल्यांकन है वो डायरेक्टर महोदय के पास सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपकी सेवाओं से संतुष्टि नहीं होगी तो दोस्तों आपका जो है रिमूवल भी किया जा सकता है, यानी कि आपको सेवा समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये सेवा की, यानी कि सेवा जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दोस्तों इसमें संतोषजनक। कैसी होनी चाहिए? संतोषजनक। आगे दोस्तों वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो दोस्तों हैं वो हैं 16,900 और 9 वर्ष के पश्चात आफ्टर 9 ईयर जो आपका है 29,600 हो जाएगा और इसका जो पदनाम है सहायक अध्यापक ग्रेड प्रथम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन। तो प्रमोशन इसमें कब होगा? आपका लगभग प्लस 9 ईयर के पश्चात आपका जो प्रमोशन है वो हो जाएगा सहायक अध्यापक ग्रेड प्रथम में। तो दोस्तों, आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जानकारी तो बार बार दी जाती है, बार बार हमें सब पता है, लेकिन दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो वापस से मैं अपडेट करा रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाई करने पड़ते हैं। कार्य है दोस्तों, तो आपका कार्य है स्कूल में जो भी आपको संस्था प्रधान द्वारा कार्य दिया जाएगा वो कार्य आपको करना है, पढ़ाना या जो भी चार्ज वगैरह आपके पास होंगे। सेवा संतोषजनक की पुष्टि। तो आपके पर ईयर का जो सेवा संतोषजनक की पुष्टि होनी चाहिए, यानी कि सेवा संतोषजनक रहेगी और वो संतोषजनक का जो प्रमाण है आपका आगे भेजा जाएगा। अगला है क्या पीएफ कटेगा या नहीं कटेगा? तो दोस्तों आपका जो पीएफ है वो नहीं कटेगा। अभी तक जो दोस्तों जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में अभी लगे हुए हैं जैसे पंचायत शिक्षक ले लो या पंचायत सहायक ले लो या विद्यालय सहायक या जो भी शिक्षा कर जो भी लगे हुए हैं उनके दोस्तों अभी पीएफ नहीं कट रहा है। तो दोस्तों आपका पीएफ नहीं कटेगा, पीएफ भी नहीं कटेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो अपडेट है, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर कर दी। आई होप आपको ये जो वीडियो है जानकारी से युक्त लगा होगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।